Ouija boards, Ouija boards या फिर Ouija boards, चाहे आप इसे जिस नाम से भी बुला लें। I'm sure कि आपने इस बहुत ही फेमस स्पिरिट कॉलिंग बोर्ड के बारे में जरूर सुना होगा। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस बोर्ड का इस्तेमाल करके आप दूसरी दुनिया यानी कि भूत प्रेतों की दुनिया से आसानी से कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कई आर्टिकल्स, मूवीज, लिटरेचर, किताबें और कहानियां इस बात का क्लेम करती हैं कि उन्होंने इस बोर्ड का इस्तेमाल करके बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से दूसरी दुनिया के भूत प्रेतों से कॉन्टैक्ट किया। इनफैक्ट ये कॉन्टैक्ट उनके लिए कामयाब भी साबित हुआ। बट क्या ऐसा वाकई हो सकता है? सुनने में ये काफी ज्यादा अजीब मगर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। पिछले 10 सालों में कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि क्या वाकई Ouija boards काम करते हैं। कुछ लोगों ने तो मुझसे ये भी कहा कि उन्होंने इस बोर्ड का इस्तेमाल किया और उनके लिए ये एक्चुअली काम करता है। इज इट इवन पॉसिबल कि हम दूसरी दुनिया के लोगों से, मेरा मतलब भूत प्रेत आत्माओं से, महज एक बोर्ड का इस्तेमाल करके बातचीत कर सकते हैं? क्या ये सब कुछ इतना आसान है? तो चलिए जानते हैं क्या है Ouija boards की पैरानॉर्मल रियलिटी। ये वीडियो किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बल्कि पैरानॉर्मल रियलिटी सामने लाने के लिए है। Ouija boards के बारे में जानने से पहले ये जरूरी है कि आप उसके इतिहास और उसकी बनावट के बारे में जान लें। 18वीं और 19वीं शताब्दी में दुनिया में कई मेजर इवेंट्स हुए जिसमें कि कई लोगों की जान गई, जैसे कि ग्लोरियस वॉर, अमेरिकन सक्सेशन, स्पैनिश सक्सेशन, अमेरिकन वॉर, द वॉर ऑफ सेवन ईयर्स, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ तक कि अमेरिकन सिविल वॉर भी। इसी समय के दौरान स्लेव ट्रेडिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ने की वजह से कई और मौतें भी हुई अलग अलग वजहों से। 1800s में अमेरिकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 40 से 50 साल की रह गई थी। ये वो दौर था जब लोग घरों में 12-12 बच्चे पैदा कर रहे थे ताकि उनका लीनिएज बरकरार रहे। पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई अमेरिकन सिविल वॉर ने, जहां 10 लाख से भी ज्यादा कैजुअल्टीज हुई। इसी दौरान जब लोग लगातार अपने अपनों को खो रहे थे, तब नेक्रोमेंसी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। लोग अपने खोए हुए अपनों से बात करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उन्हें कुछ ऐसे तरीके सुझाना शुरू कर दिया जिसका इस्तेमाल करके वो अपने खोए हुए लोगों से बातचीत कर सकते हैं। ये दुनिया का वो दौर था जब अमेरिका में पहला नेक्रोमेंसी जर्नल अखबार बैनर ऑफ लाइट्स भी बिकने लगा। इस अखबार में न सिर्फ भूत प्रेतों से बात करने के तरीकों को बताया जाता था बल्कि दूसरी दुनिया से आने वाली मैसेजेस को भी छापा जा रहा था। इसी दौर में एक और तरीका सामने आया जिसका नाम था स्पिरिट कॉलिंग बोर्ड्स। कहा जाने लगा कि इस बोर्ड्स का इस्तेमाल करके आप वाकई आत्माओं से बात कर सकते हैं। जैसे ही ये खबर अमेरिका में फैली, ये तुरंत वायरल हो गए। लोगों के दुख, तकलीफ और इमोशंस का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने ऐसे बोर्ड्स का मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया और अमेरिका में बहुत तेजी से इन बोर्ड्स का बिक्री शुरू हो गई। तभी अचानक 10th फरवरी 1891 को आता है यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट ऑफिस का एक ऑफिशियल लेटर जिसमें कि दुनिया का पहला Ouija बोर्ड एक ऑफिशियल पेटेंट के तौर पर अमेरिका में रजिस्टर किया गया। ये बोर्ड एक टॉय या फिर एक गेम के पेटेंट के तौर पर रजिस्टर किया गया था। हालांकि इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि ये किसी भी तरह से सुपरनैचुरल वर्ल्ड से कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, इसमें ये जरूर लिखा था कि ये महज एक टॉय और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। ये पेटेंट रजिस्टर था एलिजा बॉर्न के नाम पर। एलिजा बॉर्न जो कि एक अमेरिकी लॉयर और एक इन्वेंटर भी थे। एलिजा बॉर्न जाने जाते हैं Ouija boards का इन्वेंट करने के लिए, लेकिन उनके बारे में ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक टाइम पर एक स्टीम बॉयलर भी पेटेंट किया था और उन्होंने उसका भी इन्वेंशन किया था। इसी के ठीक एक साल बाद यानी कि 19th जुलाई 1892 को इस पेटेंट ऑफिस का एक और ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें कि अमेरिका में दूसरी बार Ouija boards का एक और पेटेंट रजिस्टर किया जाता है, मगर इस बार एक बड़े बिजनेसमैन विलियम फर्ल्ड के नाम पर। विलियम फर्ल्ड ने भी इस Ouija board का पेटेंट रजिस्टर करवाया एज अ टॉय और अ गेम, और इस तरीके से एलिजा बॉर्न के बनाए हुए पेटेंट को विलियम फर्ल्ड ने अक्वायर कर लिया और फिर शुरू हुआ एक बहुत ही बड़ा गेम।
तब कोई ये बात नहीं जानता था कि एक दिन विलियम बर्ड इस दुनिया के सबसे बड़े वीजा बोर्ड मैन्युफैक्चरर बनेंगे और आज तक दुनिया में वीजा बोर्ड के सबसे ज्यादा पेटेंट विलियम बर्ड के नाम पर ही रजिस्टर्ड हैं। हैसब्रो नाम की कंपनी ने ताबड़तोड़ इस बोर्ड्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और तुरंत अमेरिका में ये धड़ाधड़ बिकने लगा। बेसिकली जिस तरीके के इमोशंस का बहाव उस वक्त अमेरिकियों के बीच में हो रहा था उसका फायदा एक बिजनेसमैन ने उठाया और उनके विश्वास को गुमराह करके ढेर सारा नाम और पैसा कमाया। वीजी बोर्ड या वीजा बोर्ड, आप जो चाहे कह ले, ये बस एक नॉर्मल बोर्ड गेम की तरह है, जैसे कि चेस या फिर बिजनेस या लूडो। इसका पैरानॉर्मल वर्ल्ड या भूत प्रेत से कोई कनेक्शन है ही नहीं और ना कभी था। पर जब बात कंटेंट मार्केट की आती है तो हर कोई अपना कंटेंट ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है और यही वीजा बोर्ड्स के साथ भी हुआ। टीवी में, वीडियोस में, इंटरनेट पर, हर जगह इस बोर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ही तेजी से देखा जाने लगा। वीजा बोर्ड्स का इस्तेमाल कैमरे पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी प्रेजेंट करता था, जहां पर कुछ लोग बैठ करके ये गेम खेलते थे और अचानक उनकी नीड्स खुद ब खुद मूव करने लगती थी। इससे ज्यादा बेहतरीन नजारा एक कैमरे के लिए और कुछ नहीं हो सकता। खासकर इंटरनेट आने के बाद इस तरह की इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आ गई है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जैसे इन्फॉर्मेशन का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे झूठी और गलत इन्फॉर्मेशन का दायरा भी बढ़ रहा है। सच तो ये है कि इन्फॉर्मेशन एज के इस जमाने में हमारे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा गलत और झूठी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। पर सवाल अब भी यही है कि अगर ये महज एक गेम है तो ये काम कैसे करता है। आपने अक्सर टीवी में, मूवीज में, वीडियोस में इसको काम करते हुए देखा होगा। अगर ये झूठ है देन हाउ डज इट वर्क? इसका जवाब है ईडियो मोटर रिस्पॉन्स। ईडियो का मतलब होता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन और मोटर का मतलब होता है मस्कुलर एक्शन। 1800s में जब इस बोर्ड का कल्चर चारों तरफ बढ़ रहा था तब विलियम बेंजामिन कारपेंटर, जो कि एक इंग्लिश फिजिशियन और फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दुनिया को 1852 में बताया कि असल में ये कोई स्पिरिट कॉलिंग बोर्ड है ही नहीं। उन्होंने बताया कि इस बोर्ड का काम करना असल में इंसान के एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन के ऊपर काम करता है, जिसमें कि इंसान का शरीर बिना उसकी जानकारी के अपने आप मूवमेंट करता है। उन्होंने बताया कि इस बोर्ड का भूत प्रेत से कोई लेना देना है ही नहीं, असल में ये एक इंसानी साइकोलॉजिकल फिनोमिनन के ऊपर काम करता है, जिसमें कि इंसान का शरीर अनकॉन्शियसली मसल मूवमेंट करता है। जाहिर सी बात है कि उस वक्त के लोगों ने उनके इस रिसर्च को मानने से साफ मना कर दिया, मगर जल्दी ही इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे, सर्जन जेम्स ब्रेड, फ्रेंच केमिस्ट माइकल यूजीन और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स और रे हेमंस ने कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने पाया कि विलियम बेंजामिन की बात सही थी। उन्होंने ये भी बताया कि इडियोमोटर रिस्पॉन्स न सिर्फ इस बोर्ड पर बल्कि और भी पैरानॉर्मल क्लेम्स में काम करता है। इडियोमोटर रिस्पॉन्स ठीक वैसा ही होता है जैसे कि हिप्निक जर्क, जिसमें कि आप अचानक सोते सोते उठ जाते हैं और फिर आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि मैं उठा क्यों। असल में इस केस में आपका दिमाग आपके शरीर को अनकॉन्शियसली आपको उठाने का एक ऑर्डर दे देता है और इस कमांड को पाते ही आपका शरीर तुरंत रिएक्ट करता है और आपका शरीर अचानक से नींद से उठ जाता है। ठीक वैसा ही इडियोमोटर रिस्पॉन्स में भी होता है, बस फर्क इतना है कि इसमें ये जागते हुए होता है। कुछ साल पहले नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने लाइव टीवी पर एक वीजा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने पहले तो लोगों से वीजा बोर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहा और सवाल पूछने के लिए कहा। शुरुआत में लोगों के सवाल सही सही पड़ने लगे और उन्हें सही सही जवाब मिलने लगे, मगर उनका एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से किया गया। इस बार उन्हें ब्लाइंड फोल्ड यानी कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर किया गया और इस बार उनका एक भी जवाब सही नहीं आया। ये बताता है कि आपका मसल सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। हाल ही में डेनमार्क की आर्हस यूनिवर्सिटी में रिसर्चर मार्क एंडरसन ने 40 से ज्यादा लोगों के ऊपर सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्हें एक साथ बिठाया गया और ऊंचा बोर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। इन सब लोगों को लगातार बायोमेट्रिक्स और आई ट्रैकिंग डिवाइसेस से लैस कर दिया गया था। उनका रिसर्च पूरा होने के बाद उन्होंने कहा, एंड आई कोट, सक्सेसफुली ऊंचा बोर्ड सेशंस critically depends on joint action. The spooky or the paranormal feeling that Ouija boards induce is due to the fact that participants take turns in predicting the next letter. इंसानी दिमाग के अभी और कई रहस्य खुलने बाकी हैं। मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ ये रहस्य धीरे धीरे खुलेंगे और आने वाले वक्त में हमारे लिए ये सारी चीजें समझना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन तब तक अपने बीच इस अंधविश्वास को फैलने मत दीजिए और अपने आज पर ज्यादा भरोसा कीजिए। कंटेंट बनाने वाले सिर्फ कंटेंट बनाएंगे, उन्हें झूठ या सच से फर्क नहीं पड़ता।
इंडिया जो ऑलरेडी एक फिल्म क्रेजी कंट्री है, यहाँ पर लोग कंटेंट बनाने के लिए और फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इंटरनेट इसका सबसे बड़ा हथियार आज की तारीख में बन चुका है। मगर प्रॉब्लम यह है कि कंटेंट क्रिएशन में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है ऐसा मुझे लगता है। तो अगली बार अगर आपके सामने कोई वीजा बोर्ड का इस्तेमाल करके भूत प्रेतों से बात करने का दावा करे तो यू नो व्हाट टू डू। सो इफ दिस वीडियो हैज कंट्रीब्यूटेड समथिंग वैल्यूएबल इन योर लाइफ, सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर नेटवर्क। टिल देन, दिस इज जयलानी साइनिंग ऑफ। हैप्पी हंटिंग।